इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एचआईवी इन्फेक्शन की अलग अलग स्टेजेस में आने वाले अलग अलग तरह के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एचआईवी और एड्स क्या है। एचआईवी एक तरह का वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें एक वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप। तो एचआईवी वायरस जो होता है वो हमारे ब्लड में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं उनका एक प्रकार होता है CD4 सेल्स, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। एचआईवी वायरस CD4 सेल्स पे अटैक करते हैं जिनकी वजह से उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से 200 से भी कम सेल्स मिलीमीटर क्यूब में रह जाती हैं और हमारा जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे एचआईवी के वायरस हो जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हमारी बॉडी पे आ जाते हैं और अलग अलग तरह के कैंसर्स, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होने की वजह से एड्स के पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। एचआईवी वायरस इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सीमन और इन्फेक्टेड वेजाइनल फ्लूइड्स के माध्यम से फैल सकता है। इनके कॉन्टैक्ट में आने का कारण कोई भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं एचआईवी एड्स की अलग अलग स्टेजेस और उनमें आने वाले अलग अलग लक्षणों के बारे में। एचआईवी के लक्षणों को मेनली 3 स्टेजेस में हम देख सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेज होता है एक्यूट स्टेज। एक्यूट का मतलब होता है जल्दी से जल्दी जो लक्षण आते हैं उनको एक्यूट स्टेज में रखा गया है। ये लक्षण आने में कम से कम 2 से 4 वीक लग सकते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं उसमें है फीवर यानी बुखार आ सकता है, सर्दी लग सकती है, रात के समय ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं और गले में खराश हो जाती है, मुंह में छाले हो सकते हैं और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये जो लक्षण हैं वो वायरस के इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों बाद ही देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण हर किसी में देखने को मिले, क्योंकि ये लक्षण 70% लोगों में ही देखने को मिलते हैं, बाकी 30% लोगों में ये लक्षण नहीं आते हैं। सेकेंड स्टेज है क्रॉनिक स्टेज। क्रॉनिक स्टेज का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलने वाली है। ये स्टेज लगभग 3 साल से लेकर 15 साल तक चल सकती है। इस स्टेज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक और सेकंड है सिम्प्टोमेटिक। जो 3 से 15 साल का समय है उसमें जो शुरुआत के जो का समय है उसमें कोई किसी प्रकार के लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे जो लास्ट के का समय होता है उसमें फिर से लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो लक्षण एग्जैक्टली किसके जैसे होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होते हैं उसमें जो लक्षण आते हैं उसी तरह के लक्षण सेकेंड स्टेज की सिम्प्टोमेटिक फेज में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में आता है एड्स। एड्स का मतलब है एचआईवी ने हमारे शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उसके हर अंग में, हर हमारे ऑर्गन में उसके इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एड्स की जो स्टेज है उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? रैपिड वेट लॉस। रैपिड वेट लॉस का मतलब है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, फास्टली वेट लॉस हो जाता है, बार बार फीवर आता है, स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स में, अंडर आर्म्स में जहाँ भी लिम्फ नोड होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से निमोनिया हो जाता है, टीबी होना एक बहुत ही मेन सिम्टम है जो हर किसी में देखने को मिलता है। एचआईवी के जो पेशेंट्स होता है उनमें 70 से 80% जो लोग होते हैं टीबी का ज़रूर से इसमें लक्षण देखने को मिलता है। कैंसर हो सकते हैं, किसी भी तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक होता है कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा में स्किन का कैंसर हो जाता है, जो माउथ के अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है ब्रेन फंक्शन इफ़ेक्ट होने लगते हैं।
जब नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है एचआईवी, नर्वस सिस्टम पे अटैक होने की वजह से हमारे ब्रेन फंक्शंस इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये हैं एचआईवी की 3 स्टेजेस और उसमें अलग अलग होने वाले लक्षण। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।